वाक्य में आए अंडरलाइन जो शब्द का विरुधार्थी लिखा था, तो अभी आपको दीदी ने शब्द दिया है तो आपको इस शब्द का विरुधार्थी शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखना है, ठीक है? और जिसका हो जाएगा वो चैट बॉक्स में डन लिखेगा। नेक्स्ट दीदी, और एक एक है आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बस बस उत्तर नहीं, पीछे जाइए। लिखना है सोनाक्षी, मम्मी लिख रही है, आरुषि लिख रही हो तुम? मम्मी को लिखने नहीं बोलना है, आपको लिखना है। मैं पलक लिख पायल, पलक नहीं पायल, रही थी, साइन में रफ करके दे रही हूँ। ओके। पलक पायल लिख रही हो तुम? गांव में आए हो तुम लोग? लिखना यस। मैम, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है दीदी दीदी, स्क्रीन क्या पे लिख? बोल मत, दीदी पीछे जाइए। काजल दीदी पीछे जाइए। दीदी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ हाँ दिखाई देगी दीदी, अच्छा, आगे सिर्फ इससे दिखाई आगे देगी, अभी दिखाई देगी आपको। दुश्मनी, इधर मत, इधर नहीं। दीदी इज इट विजिबल? यहाँ लिखा है नहीं। ओके दीदी, सभी को म्यूट पे डालिए प्लीज। नहीं हो पर दीदी आप लेट मी नो कब नेक्स्ट करना है। दीदी श्योर श्योर। अभी बाकी के बच्चे प्लीज पिया म्यूट पे रहो बेटा, उठा एवरीवन जस्ट बी ऑन म्यूट। दीदी कर कोई भी म्यूट खुद से म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा जब तक दीदी नहीं कहती। पिया म्यूट पे रहो। चालू करना सब तो समृद्धि सोनाव ने म्यूट, दिस आता ओके। थैंक यू दी। किसका हो गया वो डन लिख सकता है चैट बॉक्स में। जी आना, पहला वाक्य पढ़ो बेटा। दीदी पीछे जाइए। जी आना, दीदी पहला वाक्य क्या होगा? सरोवर डन। सरोवर बहुत बड़ा है। मीरा। मैंने जियाना को कहा राजा, जस्ट फॉलो द जूम नॉर्म्स। ओके जियाना बोलो आप। सरोवर बहुत छोटा था। वेरी गुड। सरोवर बहुत बड़ा की जगह पे छोटा था।
नेक्स्ट रक्षित आप पढ़ो। दो हंसों में बहुत दोस्ती थी, क्या होगा वाक्य? दो हंसों में बहुत ससुलता थी। शत्रुता या दुश्मनी? दीदी दुश्मनी। बहुत ही दुश्मनी थी। दीदी उत्तर बताइए। दीदी हाँ दीदी नेक्स्ट छोटा बना। दीदी जस्ट हाँ आप एरो का बटन दबाएंगे ना तो हो जाएगा। सरोवर बहुत ही छोटा था और दो हंसों में बहुत दुश्मनी थी। नेक्स्ट बच्चों आपको पहचानना है कि आपको सामने कितनी किताबें दिखाई दे रही है। ओके नेक्स्ट आपको कैसे पता चल रहा है किताब कितनी है? मुझे ना आराध्या बोरे बताएगी। आराध्या आराध्या कितनी किताब है? 10। ओके 10 है। पहले चित्र में कितनी दिखाई दे रही है दीदी? ओके सभी बच्चे जूम के नॉर्म्स फॉलो करेंगे। दीदी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग। यस दीदी काजल दीदी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। प्रणव आप बोलो अनम्यूट करो। पहले चित्र में कितनी किताबें हैं प्रणव? 9। पहला चित्र जो किताब का चित्र दिखाई दे रहा है उसमें कितनी किताबें हैं? उसके अंदर एक के। और दूसरे चित्र में? 9। ओके 9। कैसे पता चला आपको 9 है? हमने काउंट किया मैंने। ओके तो मतलब दूसरे चित्र में किताबें ज्यादा है। पहला एक ही किताब थी तो मैंने कहा किताब है और बहुत सारी बुक्स दिखाई दे रही है तो मैं क्या बोलूंगी? किताब ही बोलूंगी मैं उसको कि कुछ और दूसरा शब्द का इस्तेमाल करूंगी? तो व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहा जाएगा दीप? व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहा जाएगा? किताबे। नहीं तो इसको क्या कैसे पता चलेगा ये किताब किताबे इसको क्या कहेंगे ग्रामर में व्याकरण में क्या कहेंगे? कुछ नाम दिया है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? एक किताब अनेक किताबें इसको क्या कहा जाता है? एक किताबे। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। लेट मी सी कौन सा स्मार्ट बच्चा है जो चैट बॉक्स में लिख रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लेट मी सी क्या कहेंगे व्याकरण की भाषा में इसे? आपने इंग्लिश में भी किया है बुक बुक्स सिंगुलर प्लूरल को क्या कहते हैं हिंदी में? अनेक। यस विनय राइट आंसर।
एक वचन और अनेक वचन, इसे नाम दिया गया है वचन। दीदी नेक्स्ट, दीदी नेक्स्ट। तो आज हम कृति के माध्यम से, दीदी पीछे लेके जाइए, तो आज हम कृति के माध्यम से वचन की परिभाषा जानेंगे और उसके प्रकार जानेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, दीदी पीछे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपका वाइबैक्ट है, हम लोग आज ये सीखेंगे, वचन सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आगे दीदी, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, ओके, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल कौन सा है बताइए? एक वचन और अनेक वचन, वचन कैसे पता चल रहा है आपको? ये वचन का उदाहरण है दीदी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इट्स ओके। सार्थक कह रहा है कि दूसरे चित्र में बहुत ज्यादा बॉल दिखाई दे रहे हैं, पहले चित्र में एक ही दिखाई दे रहा है। यस, तो जब हमें संज्ञा के बारे में पता चलता है कि संज्ञा एक है अनेक है, जो शब्द से पता चलता है संज्ञा के, ओके, उसे हम वचन कहते हैं, ओके। तो पहले चित्र में कितनी गेंदे है, चैट बॉक्स में लिखिए। और अफजल, अफजल बताएगा पहले चित्र में कितनी गेंदे है, अनम्यूट करो अफजल। यस, रक्षित कह रहा है कि एक किताबें है, वेरी गुड। और मीरा, दूसरे चित्र में कितनी किताबें है, गेंद है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है? यस, एक से ज्यादा है। तो ऐसे जिससे पता चलता है ना, ये गेंद मतलब संज्ञा हो गई, तो इसके आधार पर कोई भी बच्चा मुझे वचन की परिभाषा बता सकता है? डेफिनेशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा? दीदी ने अभी भी बताया, कौन बताएगा मुझे? अनम्यूट करके बोल सकता है वो, पलक एंड पायल, आप लोगों को, आप लोगों को कुछ बोलना है? हाँ बोलो अफजल। किसको बोलना है बोलो, बहुत सारी चीज रहेंगे तो अनेक। यस, तो इसके आधार पर जैसे आपने कहा प्लूरल। दीदी नेक्स्ट, दीदी नेक्स्ट। तो जैसे आपने कहा ये एक गेंद है, यहाँ पे अनेक गेंदे हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक किताब है और दूसरे चित्र में अनेक किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, एक से ज्यादा। तो आगे, तो वचन की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा यानी कौन बताएगा संज्ञा मतलब क्या, हमने पढ़ा है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकीला, संज्ञा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यस, आरुषि ने सही कहा, नाउन कहते हैं। तो संज्ञा मतलब नाउन के जो भी रूप है, उसके कोई भी किसी भी रूप रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का
या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ओके, जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, तो मैं वचन यूज कर रही हूँ, ये नंबर पता चल रहा है मुझे कि ये फिक्स नंबर है, मुझे एक ही ग्लास पानी लाना है। और अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो मैं कहूंगी कि कितने फ्रेंड्स है उतने हिसाब से मुझे पानी चाहिए। तो अगर ये शब्द जो यूज कर रही हूँ मैं ऐसे शब्द से पता चलता है एक ग्लास पानी या चार ग्लास पानी, तो ऐसे शब्दों से पता चलता है कि वो एक वचन है या अनेक वचन। ओके, और ऐसे ही शब्दों को व्याकरण की भाषा में वचन कहते हैं। ठीक है दीदी, नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लड़की खेलती है, यहाँ पे कितनी लड़कियां खेल रही है मुझे हर्ष बताएगा। हर्ष त्रिपति बोलो कितनी लड़कियां है। हर्ष को कहा है मैंने, हर्ष कितनी लड़कियां है। दीदी बहुत सारी। ओके वेट, अनस एक लड़की है, कितनी लड़कियां है, एक है कि बहुत ज्यादा है। पहले वाक्य में एक, वेरी गुड बनाए, एक लड़की है। दूसरा उत्तर है लड़कियां खेलती है, इस वाक्य में लड़कियां कितनी है। दीदी दीदी बोलो, मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी हर्ष को कुछ दिख नहीं रहा। आपका बीच बीच में आवाज कट रहा है। सुनाई दे रहा है बेटा, मुझे किसी और का कटते हुए आवाज सुनाई दे रहा है। लिसन केयरफुली, तो देखो मैंने यहाँ पे दो वाक्य दिया है, दोनों भी वाक्य में संज्ञा बदली हुई है। पहले में लड़की है, दूसरे में लड़कियां है। तो इसके आधार पर दीदी नेक्स्ट, इसके आधार पर वचन के दो भेद आते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा है अनेक वचन। ठीक है नेक्स्ट, एक वचन जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेट दीदी दीदी परिभाषा पीछे डालिए। अकेला आप बोलो, ठीक है कितनी लड़कियां है यहाँ पे। दीदी एक। और कितनी टोपियां है। एक। तो संज्ञा के शब्द से पता चला कि ये एक ही है। तो दीदी नेक्स्ट, तो संज्ञा का ये जो रूप है, ये जो शब्द है, इससे पता चल रहा है जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु जैसे टोपी प्राणी पदार्थ आदि एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। इससे पता नहीं चलता कि ये ज्यादा है कम है, पर ये एक ही एक क्वांटिटी में। ठीक है वचन के लिए, एक वचन के लिए चैत्रा उदाहरण दो कि मुझे पता चलना चाहिए कि ये एक ही है। दीदी पीछे जाइए, पीछे चैत्रा एक उदाहरण दो मुझे, जैसे एक लड़की एक टोपी, तुम्हारे पास दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बोलो, एनीवन जिसको भी आता है वो चैट बॉक्स में लिखेगा, अनम्यूट नहीं करेगा। नहीं है बोलो चैत्रा, अकेला तुम बोलो। दीदी अकेला नो
ओके, एक बिल्ली, वेरी गुड। जियाना ने कहा है। अखिला तुम्हारे पास दूसरा है? मेरे पास एक टोपी है। दूसरा कोई उदाहरण? ये तो टोपी मैंने बताया, कुछ और कोई जानवर का उदाहरण दे सकती हो? मेरे पास एक डॉगी का खिलौना है। ओके, आपके पास एक कुत्ता है, कुत्ते का खिलौना है, वेरी गुड। इससे पता चला कि लाइबा के पास एक ही कुत्ता है, कुत्ते का खिलौना है, तो ये एक वचन पता चलता है, ये एक वचन है। तो परिभाषा है, दीदी दीदी लाइबा ने हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, दीदी? उसे एक वचन कहते हैं। दीदी, दीदी। हाँ बेटा दीप, समझ में आ गया राजा? आ? पता चल रहा है आपकी आवाज से आप दीप हो, ठीक है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो दीप कि मैंने कहा, ठीक है दीदी? नेक्स्ट, जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही या बच्चा, उदाहरण के तौर पे। दीदी नेक्स्ट, अभी अनेक वचन क्या होता है देखते हैं। हाँ, तो इसका उदाहरण ये ना, कौन सबसे अच्छा बैठा है? रक्षित बोलेगा, आप बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। पहले चित्र में कितनी टोपी है दीदी? सिक्स। सिक्स है, मतलब एक है क्या? नहीं, अनेक। अनेक है। और दूसरे चित्र में कितनी लड़की है? लड़की बोलेंगे कि क्या कहेंगे हम? दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? गर्ल। दीदी लड़कियां। लड़कियां। किसने कहा ये? रक्षित। मैंने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड राजा। तो लड़किया का शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दीदी आगे, तो इसके आधार पर कोई मुझे अनेक वचन की परिभाषा बता सकता है? दीदी पीछे जाइए जरा, हाँ बस नीचे का उदाहरण दीजिए। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपिया, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, ओके, ये सारे शब्द अनेक वचन के हैं। तो इसके आधार पर जैसे एक वचन का दीदी ने उदाहरण बताया, वैसे ही आप लोग अनेक वचन का उदाहरण दे सकते हो। जिसको आता है वो चैट बॉक्स में यस कहे, वो बच्चा चैट बॉक्स में यस कहेगा, दीदी उसे चांस देगी। ओके अनस, आप बोलो। आप बोलो, यस कहा ना आपने? हाँ बोलो, परिभाषा क्या आएगी? इसका क्या हुआ, डेफिनेशन क्या होगा? आपने यस कहा ना बेटा? प्रिय। बोलो। प्रिय लड़कियां। नहीं, मैंने डेफिनेशन पूछा। जैसे मैंने एक वचन का बताया, अभी अनेक वचन का क्या आएगा? एक वचन का था कि संज्ञा के जिस रूप से अनेक लड़कियां, यह आप उदाहरण दे रहे हो राजा। एक वचन की परिभाषा थी कि क्रिया के जिस भी रूप से, संज्ञा के जिस भी रूप से उसका एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। तो उसी तरीके से संज्ञा के जिस रूप से अनेक शब्द या संज्ञा के कारण हमें पता चले कि वह व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे टोपिया, लड़के, गाय, कपड़े, टोपिया, मालाएं, माताएं, पुस्तकें आदि। ओके दीदी नेक्स्ट। गाय। दीदी नेक्स्ट। दीदी।
तो दीदी ने आपके लिए एक आईपी वर्क दिया है, आपको देखो सामने सर्कल के अंदर कुछ शब्द दिए हैं और मैंने एक वचन और अनेक वचन के लिए दो कॉलम किए हैं। आपको क्या करना है, ये कॉलम के अंदर ऊपर की सर्कल में के जो शब्द है वो सही जगह पे लिखना है। अब पहला शब्द है टोकरी। टोकरी एक वचन है कि अनेक वचन है? दीप दीप दीदी एक वचन, एक वचन है तो आप एक वचन में लिखोगे टोकरियां, ठीक है। इसके पहले मुझे कोई भी बच्चा आप लोग घर पे अपने घर में से ना कोई भी ऐसी वस्तुएं लेकर आओ जिसमें एक वचन और अनेक वचन का पता चलता हो। जैसे मैंने एक लड़की लड़का बताया, टोपी टोपिया बताए।